हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे दापावर टेक्निकल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं ये आईफोन 14 प्लस कैमरे से, इसका वाइड एंगल और कलर करेक्शन आप देख सकते हैं, जो कि वाइड कितना ज़्यादा दे रहा है और जो कि स्टिक है मैंने सेम पकड़े हुए हैं और दोनों स्टिक को बराबर में रख लिया है, जो कि DJI Axon 4 की स्टिक। और इसमें देख रहे होंगे आईफोन का जो कैमरा मैं लगाने वाला हूँ, कैमरे का मतलब मोबाइल लगाने वाला हूँ, वो थोड़ा सा आगे रहने वाला है, थोड़ा ज़्यादा वाइड दिखने वाला है और DJI का थोड़ा सा पीछे है, लेकिन वाइड प्रॉपर पता चलेगा कि किसका है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं बराबर है और आईफोन का थोड़ा सा आगे पीछे है। तो बेस्ट ब्लॉगिंग सेटअप आज इसमें देख पाएंगे। चलिए इसका वाइड एंगल चेक करते हैं। और एक तरफ जो है हमारे पास DJI Axon 4, तो DJI Axon 4 में आप देख पाएंगे जो कि वाइड एंगल कितना अच्छा आ रहा है और जो व्यू जो है वो कितना अच्छा आ रहा है। और कहने का मतलब इसमें एक चीज़ और, जो कलर वगैरह है वो कैसे कलेक्ट कर पा रहा है। और एक तरफ जो हमारा आईफोन 14 प्लस, तो इसमें आप देख पाएंगे इसके जो कलर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं। दोनों की अगर हम रिकॉर्डिंग की बात करें तो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080 पिक्सल्स पे और 60 FPS के साथ में। तो रिकॉर्डिंग सेम है, दोनों 60 FPS है, 1080 पिक्सल्स पे है। और आईफोन का भी आप इसमें दोनों चीज़ें, और दोनों मैंने हाथे फिलहाल रखे हैं। और इसमें आप देख पाएंगे जो कि इसका जो वाइड एंगल है चारों तरफ का, आप इसमें देख पाएंगे कलर्स वगैरह, और यह DJI का देख सकते हैं। तो इसमें आप ये जज करना है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, DJI लेना चाहिए, या कहने का मतलब है आपको आईफोन लेना चाहिए जिसमें आपको 2-in-1 मिल जाता है। कहने का मतलब एक चीज़, आप कॉल वगैरह कर सकते हैं और अपना ब्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन रिक्स ही आपको पता है कि आईफोन वगैरह है और अपना DJI रिक्स वगैरह नहीं है, इसमें सिम वगैरह नहीं डलता है। फिलहाल में आईफोन से सस्ता आ जाता है। और जैसे कि इसमें जो आवाज़ वगैरह सुन रहे हैं आप, तो आवाज़ तो हमारे आईफोन से ही आ रही है, जो कि इनबिल्ट माइक नहीं, जो मैंने एक वोया वाई V2 का माइक इसमें लगाया हुआ है। और दूसरी साइड अगर हम बात करें तो इसमें आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये DJI Axon 4 कैमरे से सुन रहे हैं। और जो मौसम की बात करें तो बादली बादल हैं, सूरज वगैरह नहीं निकला हुआ है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। वाइड की बात करें तो मैंने ये वाला जो देख रहे हैं पूरा ये वाला हाथ कर रखा है, तो इसमें इतना ज़्यादा वाइड आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अगर हम बात करें Axon 4 की, तो Axon 4 में इतना ज़्यादा वाइड आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है जी, तो दोनों कैमरा अपने अपने जगह ठीक परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। और मैंने अभी तक फिलहाल में पहला टेस्ट है और इसका वीडियो मैंने अभी देखा नहीं है, जैसा भी है आपके सामने डाल दूंगा। तो गाइस ये कमेंट ज़रूर करना, अलग टाइप की कोई भी अगर आपको वीडियो चाहिए हो DJI Axon 4 से या अपना आईफोन 14 प्लस से, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चाहे वो मोटो ब्लॉगिंग हो या किसी भी तरीके का सेटअप हो, वो आप मेरे को कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। थैंक यू।